सरकार द्वारा बनाए गए कृषि तीन कानूनों को लेकर किसानों में लगातार आक्रोश दिख रहा है। जहां एक ओर दिल्ली बॉर्डर को चारों ओर से किसानों ने घेर कर धरना लगाया हुआ है, वहीं अलीगढ़ के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और सभी संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन को उग्र करते हुए अपनी साझेदारी प्रमुखता से निभाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोड़िया का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था कायम है, सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था बनाई गई हुई है, सभी संगठनों से लगातार वार्ता भी की जा रही है, अगर किसी अन्य जिले में जाने का प्रयास करता है तो उन्हें समझाकर यहीं रुकने का प्रयास किया जाता रहता है। कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता दिखेगा तो पुलिस अपने कानून का प्रयोग कर विधिक कार्रवाई करेगी। उसको लेकर क्या तैयारियाँ आपकी ओर से की गई हैं, उनसे किस तरह की बातचीत संगठनों से की जा रही है? देखिए, हमारा ये प्रयास है कि लोगों के मन में जो अप्रिहेंशंस हैं उनको दूर किया जाए, जो गलत फहमियाँ लोगों के मन में उन्हें हटाया जाए और इसमें संवाद लगातार बना रहता है। हम उन्हें प्रयास किया पिछले दिनों में कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की चेष्टा करेगा तो पुलिस द्वारा अपने पास उपलब्ध कानूनों के आधार पर पूरी विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हमने अपने सभी जो बॉर्डर्स को पुलिस की तैनाती कर रखी है, सफिशेंट पुलिस बल लगा रखा है, पीसी लगा रखी है और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आकर लोगों से बातचीत करके और यदि वो किसी प्रकार कानून व्यवस्था में दखल देने का प्रयास कर रहे हैं, बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ या अन्य किसी जनपद में जाकर, हम यहाँ पर ही समझा पा रहे हैं और उनकी कोई समस्या का जो समाधान हमारे कर दें और किसी भी स्थिति में उन्हें जो है कानून व्यवस्था से समझौता करने का। लगातार बातचीत चल रही है संगठनों से पुलिस की ओर से। पिछले दिनों में पुलिस द्वारा जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ बातचीत हुई, प्रशासन भी इस कार्य को पूरी जो है मनोयोग से कर रहे हैं और हम सभी एक टीम जैसे कार्य कर रहे हैं। हमारे जनपद में